everyone and welcome to my YouTube channel Lead Your Life. Myself Dr. Monica Gupta and I am third generation homeopath of my family working as medical officer at the Bihar government. पिछले कई वीडियो से मैं फीवर के कई इंफॉर्मेटिव बातों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो आपको ध्यान होगा कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट टू ऑब्जर्व इन ए केस ऑफ ए फीवर, जिसमें मैंने रैशेस की बात की थी. और रैशेस में मैंने बताया था कि ये जो रैशेस होते हैं वो सेंट्रिपिटल भी हो सकते हैं, सेंट्रिफ्यूगल भी हो सकते हैं, इची भी हो सकते हैं, नॉन इची भी हो सकते हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, यूनिलैटरल यानी एक तरफ हो सकते हैं, बाइलैटरल यानी दोनों तरफ हो सकते हैं. इन रैशेस का होने का कारण क्या है कि वैक्सीन भी हो सकते है, यानी वैक्सीन के बाद हो सकते हैं या किसी इंफेक्शन के बाद भी हो सकते हैं. तो ये जो रैशेज हैं, इरप्शंस हैं, जो आपको कॉन्कोमिटेंट के रूप में नजर आता है फीवर के साथ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है जिसपे आप बेसिस करके कोई भी मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं, तो एक तो वो भी आपको मदद मिलेगी और साथ में डायग्नोसिस में भी आपको ये बहुत मदद करेगी. तो आप अगर जान जाएंगे कि किस दिन कौन से कंडीशन में, मतलब कौन से डिजीज में इरप्शन होता है, मतलब फर्स्ट डे अगर इरप्शन हुआ तो वो कौन सी बीमारी होगी, अगर सेकेंड डे दो दिन के बाद अगर इरप्शन निकल रहे हैं तो वो कौन सी बीमारी होगी, तो आपको एक तो डायग्नोस करने में बहुत सहूलियत हुई और इस डायग्नोसिस के बेसिस पे आपके मेटेरिया मेडिका में बहुत सारी मेडिसिंस है, तो आपको वहां भी मेडिसिन के सिलेक्शन में भी हेल्पफुल जरूर होगा. तो यही सब बात को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. और साथ में मैं ये भी बताऊंगी जरूर से कि टाइप्स ऑफ रैसेस आप कह लीजिए, इरप्शंस आप कह लीजिए, तो टाइप्स ऑफ इरप्शंस को आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन कौन से इरप्शंस होते हैं और किस तरह के इरप्शंस वो होंगे. फीवर के बाद जो रैशेज निकलते हैं वो किस दिन निकलते हैं, इस बात को आसान ढंग से याद रखने के लिए सिंपल सा सेंटेंस याद रखिए, वेरी सिक पीपल मस्ट टेक डबल टैबलेट्स. अब हम सिर्फ चार वर्ड्स को अपने दिमाग में रखेंगे, वेरी सिक पीपल मस्ट, जहाँ पे वी जो है ये वेरिसेला को डिनोट कर रहा है, सिक में जो एस वर्ड है ये स्कारलेट फीवर को डिनोट कर रहा है, पीपल से आप स्मॉल पॉक्स याद रख सकते हैं और मस्ट में जो एम है ये मिजल्स को डिनोट कर रहा है. तो यहाँ पर जो रैशेज अपीयर होते हैं फीवर के बाद ये रिस्पेक्टिवली डे 1, 2, 3 और 4 को होते हैं, तो आप इस तरीके से आसानी से इस चीज को याद रख पाएंगे. बाकी के जो तीन वर्ड्स हैं, टेक डबल टैबलेट्स, टेक में जो टी है दैट डिनोट्स द टाइफस, तो इसमें जो रैश है ये पांचवें दिन, फीवर के पांचवें दिन अपीयर होते हैं. वहीं पर जो वर्ड डबल है इसका लेटर डी डिनोट कर रहा है डेंगू को, जहाँ पे जो रैशेज है दैट अपीयर्स ऑन द डे 6. और वर्ड टैबलेट का लेटर टी जो है वो टाइफॉइड को डिनोट कर रहा है, जहाँ पे रैशेज 7th डे ऑफ द फीवर आपको अपीयर होता हुआ मिलेगा. अब आइए समझते हैं व्हाट आर रैशेज. रैशेज आखिर होते क्या हैं? दे आर इन्फ्लामेशन एंड डिस्कलरेशन ओवर स्किन, जो बहुत प्रकार के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा मैक्यूल, पैचेस. तो मैक्यूल क्या होते हैं? दे आर नॉन पाल्पेबल, यानी छूने से आपको वो महसूस होता हुआ फिंगर टिप पर नहीं लगेगा. एंड दे आर साइज क्या होता है? लेस देन 1 सेंटीमीटर. ऐसे रैशेस को, ऐसे इरप्शंस को मैक्यूल कहेंगे. वहीं पर पैच क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो नॉन पाल्पेबल, बट साइज क्या है यहाँ पर? मैक्यूल की तुलना में दे आर मोर देन 1 सेंटीमीटर. अब आइए समझते हैं पैप्यूल्स एंड नोड्यूल के बारे में. दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, ये दोनों ही पाल्पेबल हैं, आप दोनों को छू के महसूस कर सकते हैं और ये दोनों ही अपने जो स्किन लेसन है वो स्किन से रेज्ड रहते हैं, ऊपर उठे हुए रहेंगे. दोनों में डिफरेंस क्या है? बस इतना सा डिफरेंस है, जो कि पैप्यूल्स होते हैं वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं और जो नोड्यूल्स होते हैं वो मोर देन 1 सेंटीमीटर होते हैं. वहीं पर
ट्यूमर किसे कहेंगे? दैट इज लाइक ए पी, एक मटर के दाने के जितना अगर इलिवेशन आपको स्किन के ऊपर नज़र आता है, आप उसको डायग्नोज एज ए ट्यूमर कर सकते हैं। देन व्हाट इज व्हील? व्हील ऐसे रैश को कहेंगे जिसका जो स्किन होता है, सराउंडिंग स्किन, वहाँ पे आपको लालिमा नज़र आएगी और वहाँ पे आपको इचिंग भी पेशेंट बोलेगा। दैट इलिवेशन एंड रैश आर कॉल्ड द व्हील्स। देन वॉट आर वेसिकल्स? वेसिकल्स ऐसे लेशंस को कहेंगे जिनमें पानी भरा हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन उनका साइज जो होगा दोज आर लेस देन 1 सेंटीमीटर। अगर वही वेसिकल्स अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर आपको होंगे नज़र आएंगे, वैसे लेशंस को हम बुले कहते हैं। तो बुले और वेसिकल्स एक ही तरह के होते हैं, बस साइज का डिफरेंस होता है। तो आशा करती हूँ कि और सब वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।